आप देख रहे हैं दखल न्यूज। वित्त मंत्री सीतारमण ने कई बैंकों के विलय की घोषणा। पंजाब नेशनल बैंक, यूनाइटेड बैंक और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का होगा विलय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, न्यू इंडिया यह वह भारत है जहां भ्रष्टाचार की कोई जगह नहीं। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर निशाना साधा, सरकार ने देश को फाइनेंशियल इमरजेंसी की ओर धकेला। बीजेपी ने नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर कहा, कांग्रेस उड़ा रही है राजीव के कामों की धज्जियां। और छत्तीसगढ़ में नया बवाल, अमित जोगी खुद के खिलाफ एफआईआर करवाने पहुंचे पुलिस स्टेशन। नमस्कार, मैं हूं सत्यम शर्मा, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अब खबरें विस्तार से। देश में मंदी की खबरों के बीच उद्योग जगत को मजबूती देने के लिए की गई घोषणाओं के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पंजाब नेशनल बैंक, यूनाइटेड बैंक और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के विलय की घोषणा की। वित्त मंत्री ने कहा कि इस विलय के बाद यह देश का दूसरा सबसे बड़ा बैंक होगा। वहीं कैनरा बैंक का सिंडिकेट बैंक में विलय होगा और यह देश का चौथा बड़ा बैंक बन जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि इसके अलावा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में आंध्र बैंक और कॉरपोरेशन बैंक का विलय होगा और यह देश का पांचवा सबसे बड़ा बैंक बनेगा। वहीं इंडियन बैंक का इलाहाबाद बैंक में विलय होगा और यह देश का छठवां सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक होगा। उन्होंने इस दौरान सरकार के उठाए कदमों से बैंकों को हुए फायदे की जानकारी दी। वित्त मंत्री ने अपने प्रेजेंटेशन में कहा कि पिछले हफ्ते लिए गए फैसलों का असर दिखने लगा है और तीन बैंक हैं जिन्हें अपने एनबीएफसी का समाधान निकाला है। आई वॉन्ट यू टू पर्टिकुलरली गिव अटेंशन टू दिस पर्टिकुलर टेबल। सो वॉट इज इट दैट यू गोइंग टू हैव? द एंकर बैंक विल बी पंजाब नेशनल बैंक इन द फर्स्ट मर्जर दैट आई अनाउंस्ड, वेयर द अमालगमेटिंग बैंक्स आर ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। बिजनेस साइज इज 17.94 लाख। पीएसबी रैंक बाय साइज वुड बी सेकेंड एंड द particular computer networking, fintech networking is Finacle. Similar, Canara Bank and Syndicate Bank coming together gives us a bank size of 15.2 lakh crores, becoming the fourth largest. iFlex is the system that they use. Union Bank of India together with Andhra Bank and Corporation Bank will become the fifth largest of the banks, public sector banks, with 14.59 lakh crores for their business size. Then Indian Bank with Allahabad Bank reaches the business size of 8.08 lakh crores, will be the seventh largest bank. So we had already talked about SBI amalgamated earlier, Bank of Baroda amalgamated earlier. So the consolidated PSBs for strong national presence and global reach, one of the objectives with which we went about this consolidation plan. So 82% of all PSB business will be with these banks. 56% of all commercial bank business will be with them. वित्त मंत्री ने कहा कि इससे जीडीपी को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। हमने बैंकों और बैंकिंग सेक्टर में सुधार किया है। बैंकों को सिर्फ लिक्विडिटी नहीं देनी है बल्कि उनमें और सुधार भी करने हैं। उन्होंने यह भी कहा कि फर्जी कंपनियों को बंद किया गया है जिनकी संख्या 3 लाख है। हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं। भगोड़ों और उनकी संपत्तियों के खिलाफ काम जारी रहेगा। सरकार ने कम वक्त में ज्यादा लोन की स्कीम प्रस्तुत की थी। सरकार द्वारा अब उठाए गए कदमों का असर है कि बैंक एनपीए में कमी आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, न्यू इंडिया हर भारतीय की आवाज है। यह वह भारत है जहां भ्रष्टाचार की कोई जगह नहीं। कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, सिर्फ उसकी क्षमता ही मायने रखती है। न्यू इंडिया में सरनेम नहीं, योग्यता के मायने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि न्यू इंडिया में सरनेम मायने नहीं रखता है बल्कि अपना नाम बनाने की काबिलियत मायने रखती है। न्यू इंडिया चुनिंदा लोगों की आवाज नहीं है बल्कि हर भारतीय की आवाज है। यह वह भारत है जहां भ्रष्टाचार की कोई जगह नहीं है। कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, सिर्फ उसकी क्षमता ही मायने रखती है। पीएम मोदी ने कहा कि अब लोग बोल रहे हैं कि हम स्वच्छ भारत बनाकर रखेंगे, हम भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाकर रहेंगे। यह सब सिर्फ दृढ़ इच्छा शक्ति की वजह से ही संभव हो सका है। दिस इज एन इंडिया वेयर द सरनेम्स ऑफ द यूथ
do not matter. What matters is their ability to make their own name. This is an India where corruption is never an option. Whoever the person is, only competence is the norm. Friends, New India is not about the voice of select few. It is about the voice of each and every of the 130 crore Indians. And for media platforms, it is vital to hear this voice of the people. Today, we are seeing that every citizen wants to do something or the other for the nation. Every citizen either wants to contribute or give up something for the nation. Take for example, the most recent step to reduce single-use plastic. This is not only Narendra Modi's idea or effort. The people of India have taken it upon themselves to make India free of single-use plastic at a time when we mark Gandhiji's 150th birth anniversary. मोदी ने कहा देश में आबादी के मुकाबले जरूरी चिकित्सा सुविधाओं का अभाव बना हुआ है. इसी के चलते सरकार ने देश भर में 12,500 आयुष केंद्र शुरू करने का लक्ष्य बनाया है. आयुष मंत्रालय के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि इस साल देश में 4,000 आयुष केंद्रों को खोले जाने का लक्ष्य है. कांग्रेस ने मोदी सरकार पर निशाना साधा और कहा गवर्नमेंट ने देश को फाइनेंशियल इमरजेंसी की ओर धकेल दिया है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सोमवार को सरकार को 1.76 लाख करोड़ रुपए दिए थे. देश में मंदी जैसे हालातों के बीच कांग्रेस मोदी सरकार पर हमलावर होने लगी है. केंद्र सरकार द्वारा आरबीआई से 1.76 लाख करोड़ लेने पर कांग्रेस ने सरकार पर जमकर निशाना साधा है. कांग्रेस ने इसे आर्थिक मंदी को छुपाने के लिए सरकार की कोशिश बताने के साथ ही इस पूरी कवायद को फाइनेंशियली इमरजेंसी करार दिया है. कांग्रेस से मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि आरबीआई का इमरजेंसी फंड 6 साल के सबसे निचले स्तर पर आ गया है क्योंकि भाजपा सरकार ने खस्ता हाल अर्थव्यवस्था को छुपाने के लिए जबरन 1.76 लाख करोड़ की राशि ली है. ट्वीट के जरिए सुरजेवाला ने पिछले कुछ वक्त में बढ़े बैंकिंग फ्रॉड की ओर भी इशारा किया है. उन्होंने लिखा, न्यू इंडिया में लूटो और भागो चल रहा है. आरबीआई की सालाना रिपोर्ट के अनुसार साल 2018-19 में बैंक फ्रॉड के मामलों में 15% का इजाफा हुआ है. भारतीय मुक्केबाज एमसी मैरी कॉम को एशिया की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी चुना गया. दक्षिण कोरिया के फुटबॉल स्टार सोन हुएंग मिन को सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी चुना गया. एशियन स्पोर्ट्स राइटर्स यूनियन द्वारा आयोजित पहले अवार्ड्स फॉर एशिया में इन खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया. सेलेंगोर के मुख्यमंत्री वाईबी तुआन हाजी अमीरुद्दीन शारी ने पुरस्कार वितरित किए. 6 बार की वर्ल्ड मुक्केबाजी चैंपियन मैरी कॉम को एशियाई मुक्केबाजी के क्षेत्र में धमाकेदार प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी चुना गया है. वे 7 वर्ल्ड चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली एकमात्र महिला मुक्केबाज हैं. मैरी कॉम की निगाहें 7 सितंबर से होने वाले वर्ल्ड मुक्केबाजी चैंपियनशिप में अपने 7वें स्वर्ण पदक पर टिकी रहेगी. वे यदि इसमें सफल हुई तो क्यूबा के महान मुक्केबाज फेलिक्स सेवोन को पीछे छोड़ देंगी. 26 वर्षीय सोन ह्यूंग मीन वर्तमान में टॉन्टहैम हॉटस्पर का प्रतिनिधित्व करते हैं. इस खिलाड़ी ने पिछले साल दक्षिण कोरिया को एशियन गेम गोल्ड मेडल दिलाने के अहम भूमिका निभाई थी. कतर पुरुष फुटबॉल टीम और जापान महिला फुटबॉल टीम को एशियाई का सर्वश्रेष्ठ टीमों का पुरस्कार प्रदान किया गया. कतर की टीम ने 10 बार एशियन कप में हिस्सा लिया और पिछले सत्र में खिताब जीतने में सफलता हासिल की थी. मैरी कॉम को पद्म भूषण, अर्जुन अवार्ड और पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है. जापान की टीम ने 2011 में महिला वर्ल्ड कप जीता था जबकि 2015 में उपविजेता बनी थी. छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की जाति प्रमाण पत्र को लेकर हुई एफआईआर के बाद सियासत गर्म आ गई है. अजीत जोगी के बेटे ने अपने जाति प्रमाण पत्र के साथ थाने पहुंचकर खुद पर एफआईआर दर्ज करने और जाति प्रमाण पत्र निरस्त करने की मांग की.
छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के जाति प्रमाण पत्र को लेकर सियासत गर्मा गई है। अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी बिलासपुर के सिविल लाइन थाने में अपनी जाति प्रमाण पत्र के साथ पहुंचे और थानेदार से अपना जाति प्रमाण पत्र निरस्त करने की मांग की और कहा कि जब रात के अंधेरे में मेरे पिता अजीत जोगी के खिलाफ FIR दर्ज कर चुके हैं तो दिन के उजाले में मेरे खिलाफ भी वैसी ही FIR दर्ज करिए, मेरा जाति प्रमाण पत्र निरस्त कीजिए और मुझे लॉकअप में डाल दीजिए। अमित ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर तंज कसते हुए कहा कि पूरे विश्व में केवल भूपेश राज में ही बेटे की जाति बाप से अलग हो सकती है। मरवाही विधायक अमित जोगी अपने ही खिलाफ FIR दर्ज कराने पहुंचे थे। पूर्व गृह मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने कहा कि तबादले और PCC चीफ के चक्कर में गरीबों की सारी योजनाएं बंद हो गई हैं। कमलनाथ सरकार में इतने झगड़े शुरू हो गए हैं कि प्रदेश का कबाड़ा हो रहा है। गरीबों की योजनाएं बंद हो रही हैं, जनता की सुनने वाला कोई नहीं है। PCC चीफ को लेकर पूर्व मंत्री उमा शंकर गुप्ता ने बयान देते हुए कहा कि कमलनाथ सरकार PCC चीफ के चक्कर में पड़ी है और प्रदेश का कबाड़ा हुआ जा रहा है। पूरी प्रदेश सरकार PCC और तबादले में लगी हुई है। इनके झगड़े इतने शुरू हो गए हैं कि मंत्री विधायक मुख्यमंत्री सब इस चक्कर में प्रदेश को बर्बाद कर रहे हैं। जनता हैरान और परेशान है। गरीबों की सारी योजनाएं बंद हो गई हैं, कोई भी किधर भी जा सकता है। कांग्रेस में आपसी मतभेद बढ़ गए हैं जिसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। तो उनका मामला है, उनसे पूछो। तकलीफ यह है कि इस चक्कर में पूरी सरकार या तो केवल तबादले में लगी या PCC चीफ में लगी। इनके झगड़े इतने शुरू हो गए हैं, मंत्री विधायक, विधायक विधायक, मंत्री मुख्यमंत्री, उसमें प्रदेश का कबाड़ा हो रहा है। जनता हैरान और परेशान है, कोई सुध लेने वाला नहीं है। गरीबों की सारी योजनाएं बंद हो गई हैं। बिजली गाँव में तो हालत इतनी ख़राब हो गई कि फिर कभी कभी आने लगी है। बाढ़ की पोजीशन इतनी ख़राब है लेकिन कोई कहीं जाने को तैयार नहीं है। और इसलिए हम सबकी चिंता का विषय यह है कि मध्य प्रदेश में इस समय अराजकता और हाहाकार का वातावरण बना हुआ है। मुख्यमंत्री और सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। फिलहाल वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। From quality education to 100% placement assistance, student gets everything at LNCT University. इसीलिए LNCT University है most trusted name among students. Admissions open for UG and PG. Choose the best to be the best. LNCT University. Log on to lnctu.ac.in. आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। नगरीय निकायों में महापौर और अध्यक्षों का चुनाव पार्षदों द्वारा किए जाने और पार्षदों के चुनाव गैर दलीय आधार पर कराए जाने की सिफारिश का BJP ने विरोध किया। BJP नेता कृष्ण मुरारी मोघे ने कहा कि राजीव गांधी ने नगरीय निकायों और पंचायतों में सुधार के लिए जो काम किया था, कांग्रेस उन्हीं की धज्जियां उड़ा रही है। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर राज्य सरकार द्वारा मंत्री सज्जन सिंह वर्मा की अध्यक्षता में गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को दे दी है। समिति ने नगरीय निकायों में महापौर और अध्यक्षों का चुनाव पार्षदों द्वारा किए जाने और पार्षदों के चुनाव गैर दलीय आधार पर
कराए जाने की सिफारिश की है। इसे लेकर भाजपा के वरिष्ठ नेता और इंदौर के पूर्व महापौर कृष्ण मुरारी मोघे ने कड़ी आपत्ति जाहिर की है। मोघे इस मामले में भाजपा द्वारा गठित राज्य स्तरीय समिति के अध्यक्ष भी हैं। मोघे ने कहा कि राज्यपाल की अनुमति के बाद ही परिसीमन कराया जा सकता है, लेकिन राज्य सरकार ने परिसीमन के लिए राज्यपाल की अनुमति नहीं ली है। वृद्धि या परिसीमन का अधिकार है वो राज्यपाल को, और राज्यपाल की अनुमति से वो कार्य होना चाहिए। उसका अधिकार हमारे जो किया है 30 तारीख तक का आपत्तियों का समय था, उन्होंने आपत्तियाँ लगाई। और सबसे बड़ी बात यह कि पंचायतों में सुधार के लिए और निकायों में सुधार के लिए राजीव गांधी ने ही ये संशोधन 73 और 74 बनाए थे, जिसकी नदियाँ आज की कांग्रेस उड़ा रही है। विरोध किया है और डिक्लेयर होने के बाद में हम आगे जो कार्रवाई इस पर करेंगे। मोघे ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने ही नगरीय निकायों और पंचायतों में सुधार के लिए एक्ट में 73वां एवं 74वां संशोधन किया था। कांग्रेस उन्हीं संशोधनों की धज्जियां उड़ा रही है। मोघे ने कहा कि प्रत्यक्ष चुनाव होने से महापौर और अध्यक्ष जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं। जब महापौर और अध्यक्ष का चुनाव पार्षदों द्वारा किया जाता है तब क्या क्या होता है हम सबने देखा है। दंतेवाड़ा में 7 लाख के 5 इनामी नक्सलियों ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। कई बड़ी वारदातों को अंजाम देने में ये नक्सली शामिल रहे हैं। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में 5 नक्सलवादियों ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। बताया जा रहा है कि इन पर 7 लाख का इनाम घोषित था। इन नक्सलियों ने SP अभिषेक पल्लव के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। ये नक्सलवादी जवान को मारने, हथियार की लूट, विस्फोट, पत्रकार की हत्या सहित कई अपराधों में शामिल रहे हैं। अब सरकार की पुनर्वास नीति के तहत इन नक्सलियों को सुविधाएं भी दी जाएंगी। समर्पित नक्सलियों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया जाएगा। 5 नक्सली जिनमें की एक प्लेटून नंबर 24 सदस्य जिसपे 2 लाख का इनाम है, दूसरा मेडिकल टीम प्रभारी जिसपे 2 लाख का इनाम है, बाकी जो है 1-1 लाख के इनामी, 1 LOS सदस्य और 2 CNM अध्यक्ष हैं। निश्चित रूप से जो हर क्षेत्र में जो है सफलता मिल रही है। कल भी प्रपाल क्षेत्र में 3 गिरफ्तारी हुई और आज मलांगीर क्षेत्र और बारसूर क्षेत्र से आत्मसमर्पण हुआ है। ये सभी लोग काफ़ी मोटिवेटेड हैं, नक्सलवाद से पीड़ित हैं। किसी न किसी कारण से इनको जो है नक्सल प्रताड़ना के कारण नक्सलवाद छोड़ना पड़ा। अब ये पुलिस के साथ मिलके अपने इलाके को नक्सलवाद से दूर करने के लिए मुहिम में पुलिस का साथ देंगे। सब इंस्पेक्टर जो हमारे पुलिस के शहीद हुए थे उसमें वो शामिल थे, और नीलावाया घटना जिसमें कि 3 पुलिसकर्मी और 1 पत्रकार जो है शहीद हुआ था उसमें ये इन्वॉल्व थे। MP के सरकारी अस्पतालों के बुरे हाल हैं। रीवा के अस्पताल में मौजूद औषधालय अक्सर बंद मिलते हैं, और अगर धोखे से खुले भी मिल जाएं तो मरीजों की दवाई मिल जाए ऐसा संभव नहीं। मरीजों को मजबूरन ऊंचे दामों में दवाई बाहर से खरीदनी पड़ती है। मरीजों को घंटों दवाई काउंटर के बाहर खड़ा रहना पड़ता है। इसमें स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही साफ नजर आती है। स्वास्थ्य मंत्री जी कुछ कीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि जनता का सरकारी अस्पताल से भरोसा ही उठ जाए। मध्य प्रदेश में कहने को सरकार बदल गई है, लेकिन इसके बावजूद रीवा स्थित संजय गांधी अस्पताल की तस्वीर नहीं बदल पाई है। हाल यहां पहले से भी बदतर होते जा रहे हैं। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जो इस अस्पताल में ना हो, मगर इन पीड़ित परिवारों और गरीबों का सुनने वाला कोई नहीं है। संजय गांधी अस्पताल रीवा में कर्मचारियों की मनमानी के चलते दवा काउंटर अक्सर बंद मिलता है। यहाँ पदस्थ फार्मेसिस्ट या तो मरीजों को दवाइयाँ नहीं देते या फिर अक्सर दवाई की दुकान बंद रखते हैं। दवाई के लिए सर कल से हो गया, मैं लाइन में आता हूँ, चला जाता हूँ, कोई व्यवस्था यहाँ नहीं है। अभी तक यहाँ काउंटर नहीं खुला, बोला 2 बजे से खुल जाएगा। कोई व्यवस्था शासन की तरफ से नहीं, हराम के पैसे ले रहे हैं जितने यहाँ हैं, हराम के पैसे शासन के ले रहे हैं। घर में सो रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, पब्लिक मर रही है। सवेरे से लाइन में लगे हूँ, बंद हो गया, क्या करी हम, रीवे से यहाँ मरीजों से लगे यहाँ। ये लंबी कतार की तस्वीरें नोटबंदी की नहीं बल्कि रीवा के संजय गांधी अस्पताल में दवा की लाइन है। मरीज और उनके परिजनों को घंटों लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। इसके बाद भी दवा मिल जाएगी इसका कोई गारंटी नहीं होती। मरीजों के परिजनों ने बताया कि अस्पताल के कर्मचारी कभी इस काउंटर में लाइन में खड़े होने के बोलते हैं तो कभी दूसरे काउंटर पर। अस्पताल में कोई ऐसा जिम्मेदार व्यक्ति नहीं है जिससे इसके बारे में बात की जा सके। यहाँ फार्मेसिस्ट की मनमानी है। दवाई के काउंटर में दवाई मांगने पर मरीजों से बदतमीजी भी की जाती है। लंबी लाइनों में खड़े होने के बाद बाहर से महंगी दवाइयां लेने को मजबूर हो रहे हैं।
एक तो वहाँ पे 9 बजे से खड़े रहते, 11 बजे मिली। इसके बाद यहाँ डॉक्टर की दिखाओ, वहाँ पे भी परेशानी, ऐसा वैसा करके भेज दिए। एक्सरे करवाने के बोले 12:05 हो गए, 12:05 मिनट लेट था, एक्सरे की पर्चियाँ नहीं बनाई, लोगों के पीछे हैं, बच्चा रो रहा है दर्द से, दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं। सर हमको 1 घंटा हो गया, 1:10 हुए, वहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइन थी, देख रहे हैं 3 बार ऐसे ऐसे करा था, वहाँ पे कोई लाइन की जगह नहीं थी, इसलिए यहाँ पे आके लग गए। यहाँ पे भी सर वही हाल है, दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं। इस यहाँ दवाई के लिए खड़े हैं हम 2 बजे से, काउंटर खुलने का टाइम है 2 बजे से, पर अभी तक काउंटर खुला नहीं है और यहाँ लोग लाइन में लगे हुए हैं, परेशान हो रही पब्लिक, कोई व्यवस्था यहाँ दिख नहीं रहा है। यही हालत है संजय गांधी हॉस्पिटल की, जब से कांग्रेस सरकार आई तो यही हालत चल रहा है। इसमें मैं ये चाहता हूँ कि सरकार को संजय गांधी हॉस्पिटल की व्यवस्था में ध्यान देना चाहिए। यहाँ के हाल देखकर लगता है कि विंध्य इलाके के इस बड़े अस्पताल के लोगों की बाहर की दुकानों से साठगांठ है। पिछले कई दिनों से मरीज अस्पताल में इस तरह की मनमानी के चलते काफी परेशान हो चुके हैं। ऐसे में अगर इन कार्यवाही नहीं की गई तो ये सिस्टम को दीमक की तरह खोखला कर देंगे। यहाँ दवाइयों का घोरक धंधा हॉस्पिटल प्रबंधन की लापरवाही के कारण फल फूल रहा है। ड्राइवर की लापरवाही के कारण सागर से नागपुर जा रही बस अनियंत्रित होकर पहाड़ से टकरा गई। यह हादसा परतापुर कुंडाली मार्ग के पास रात करीब 3 बजे हुआ। इसमें 12 यात्री घायल हो गए हैं। नरसिंहपुर जिला मुख्यालय से करीब 22 किलोमीटर दूर छिंदवाड़ा जिले के परतापुर कुंडली मार्ग के बीच एक बस देर रात अनियंत्रित होकर पहाड़ी से टकरा गई। हादसे में बस में सवार 12 यात्री घायल हो गए। बस नागपुर से सागर जा रही थी। हादसे में गंभीर रूप से घायल कंडक्टर अनिल अवस्थी को जबलपुर रेफर किया गया है। बाकी 11 घायलों को एम्बुलेंस के जरिए नरसिंहपुर जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इनमें 9 यात्री सागर जिले के बताए जा रहे हैं। हादसे की वजह रास्ते से गुजर रहे एक डंपर द्वारा बस को क्रॉसिंग के दौरान कट मारना बताया जा रहा है, जबकि यात्रियों का कहना है कि बस ड्राइवर लापरवाही से बस चला रहा था और अचानक उसे झपकी लगने के कारण यह हादसा हुआ। थाना प्रभारी का तबादला होने से एक तरफ जहां आम जनता में खुशी की लहर है और लोग तबादले के बाद मिठाइयां बांट रहे हैं, वहीं एक थाना ऐसा भी है जहां थाना प्रभारी के तबादले से लोग काफी दुखी हैं। तबादले के बाद लोगों ने थाना प्रभारी को शाल और श्रीफल से सम्मानित कर विदाई दी और उनके कार्यकाल की सराहना की। ये दोनों ही मामले रीवा के हैं। पुलिस की कार्यशैली से लोगों में नाराजगी रहती है, लेकिन कुछ पुलिस अधिकारी ऐसे भी होते हैं जो अपने काम की वजह से लोगों के दिल में जगह बना लेते हैं। ऐसी ही एक मामला रीवा सिविल लाइन थाना का है। यहां प्रभारी शशिकांत चौरसिया का तबादला इंदौर के लिए हुआ तो लोगों ने उन्हें शॉल श्रीफल भेंट कर सम्मान के साथ विदाई दी। तबादले की खबर सुनते ही मिलने वालों का तांता लग गया और जनता ने उनके कार्यकाल की सराहना की। वहीं दूसरी तरफ विवादों से चर्चा में रहे गोविंदगढ़ TI सुनील गुप्ता का तबादला जिला सत्ता में किए जाने से स्थानीय लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई है। युवाओं ने एक दूसरे को मिठाई बांटकर खुशी का इजहार किया। युवा एकता परिषद के सभी साथीगण यहां एकत्रित हुए हैं कि विगत 2 महीने पूर्व गोविंदगढ़ थाना प्रभारी जी को हटाए जाने के लिए हम सभी युवा एकता परिषद ने ग्रामीण जनों के साथ चल के एक आंदोलन किया और वरिष्ठ अधिकारियों से आग्रह किया था कि जो भी थाना प्रभारी हैं श्री सुनील गुप्ता जी को हटाए जाने के लिए, तो उस पर हम सभी गृह मंत्री जी से, बाला बच्चन जी से भी मुलाकात किए। कल जारी हुई लिस्ट के दौरान ये जानकारी हुई कि श्री सुनील गुप्ता जी का रीवा से सतना के लिए ट्रांसफर हो गया है। सत्य की विजय के लिए हम सभी ने आपस में मिठाई बांट कर खुशी जाहिर की। स्थानीय लोगों ने ऐसे ऑफिसर को रीवा जिले में दोबारा ना आने देने की प्रशासन से मांग की। युवा एकता परिषद के जिला अध्यक्ष आशु द्विवेदी ने बताया कि गोविंदगढ़ क्षेत्र में ग्रामीणों की मांग पर युवा एकता परिषद ने गोविंदगढ़ थाना प्रभारी को हटाए जाने को लेकर सड़कों पर आंदोलन किया था। गृह मंत्री बाला बच्चन से मुलाकात कर थाना प्रभारी की शिकायत की गई थी, जिसके चलते TI सुनील गुप्ता का तबादला तत्काल यहाँ से किया गया। थाना प्रभारी के गलत कार्य प्रणाली चलते हुए ग्रामीणों और युवा एकता परिषद ने एक आंदोलन छेड़ा उनको हटाए जाने के लिए। यह आंदोलन सफल रहा। इसमें युवा एकता परिषद सभी भाइयों एवं ग्रामीणों को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और मध्य प्रदेश शासन से मेरा यह निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है कि गोविंदगढ़ में एक नए और अच्छी ईमानदार थानेदार की स्थापना कराई जाए। भोपाल के भदभदा डैम के पास एक नवजात शिशु का शव मिलने से सनसनी फैल गई। बच्चा 2 से 3 दिन का बताया जा रहा है। बच्चे को किसने फेंका है इसका पता नहीं लगाया जा सका है।
भोपाल के भदभदा डैम में एक नवजात बच्चे का शव मिला। बच्चा 2 से 3 दिन का बताया जा रहा है। बच्चा पानी में मृत अवस्था में पाया गया। कयास लगाए जा रहे हैं कि बच्चे की मृत्यु के बाद उसे यहां फेंक दिया गया है। फिलहाल बच्चे को किसने फेंका है उसका अभी पता नहीं चल पाया है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने बच्चा फेंकने वाले की तलाश शुरू कर दी है। छत्तीसगढ़ में पहली बार पोला तीज का त्यौहार मुख्यमंत्री निवास में उत्साह के साथ मनाया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी उत्साह में दिखे और बच्चों को चॉकलेट बांटी। यहां कई महिलाएं भी पारंपरिक परिधान में पोला तीज मनाने पहुंची। प्रदेश में कांग्रेस सरकार आने के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि छत्तीसगढ़ी त्यौहारों को तवज्जो दी जा रही है। पोला तीज त्यौहार मनाने के लिए छत्तीसगढ़ की परंपरा और रीति रिवाज के अनुसार मुख्यमंत्री निवास में साज सज्जा की गई। इस मौके पर नंदी बैल की पूजा की गई। तीज महोत्सव के लिए प्रदेश के विभिन्न स्थानों से आई बहनों द्वारा करू भात खाने की रस्म पूरी की गई और छत्तीसगढ़ के पारंपरिक खेलों का भी आयोजन किया गया। छत्तीसगढ़ का पूरा त्यौहार मूल रूप से खेती किसानी से जुड़ा पर्व है। खेती किसानी में बैल और गौवंशी पशुओं के महत्व को देखते हुए इन दिन इनके प्रति आभार प्रकट करने की परंपरा है। छत्तीसगढ़ के गांवों में बैलों को विशेष रूप से सजाया जाता है। इनकी पूजा अर्चना की जाती है। घरों में बच्चे मिट्टी से बने नंदी बैल और बर्तनों के खिलौनों से खेलते हैं। घरों में विभिन्न पकवान तैयार किए जाते हैं और उत्सव मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ की विशिष्ट परंपरा है कि महिलाएं तीजा मनाने मायके आती हैं। छत्तीसगढ़ में तीजा पर्व की इतनी अधिक महत्वता है कि बुजुर्ग महिलाएं भी इस खास मौके पर मायके आने के लिए उत्सुक रहती हैं। महिलाएं पति की दीर्घायु के लिए तीजा पर्व के एक दिन पहले कुरु भात ग्रहण कर निर्जला व्रत रखती हैं। आज के ये सारे नजारे मुख्यमंत्री निवास में देखने को मिले। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए दखल न्यूज़। दखल आपके हक में। अब आपके साथ हैं जर्जर भोपाली जो आपको सुनाएंगे अपने ही अंदाज में भरण समाचार। नमस्कार, भरण समाचार में आपको वेलकम कर दिया हूं। मैं हूं जर्जर भोपाली। कल्याण भाई, आजकल तो है ना मौसम, है ना डॉक्टरों का सीजन शुरू हो गया है, बता रही हूं। बहुत संभल के रहने की जरूरत है। कल मैं खड़ा हुआ था, मेरा गला बैठ गया। मैं डॉक्टर के पास गया, भैया मैं खड़ा हूँ, गला बैठ गया मेरा, देखो क्या हुआ। उन्होंने डॉक्टर साहब पूछते हैं कि हवा खाई थी क्या? मैंने कहा हवा तो खाती है, टहलने जाती है रोज। तो उन्होंने कहा अभी हवा में क्या कीटाणु वगैरह बहुत जा रहे हैं, तो संभल के रहो थोड़ा सा। जो संभलने का मौसम है आप भी संभल जाओ भैया। अब मोदी जी ने भैया फिट इंडिया का स्लोगन दिया है भैया। और मैंने कल मेरे को एक नेताजी मिल गए जितने बड़ा पेट लेकर घूम रहे थे। और मैंने कहा भैया ये फिट रहो क्या है मोदी जी बोल रहे हैं? तो उनका कहना है भैया नेताओं की फिटनेस उनके पेट से होती है, जिसका जितना बड़ा पेट उतना बड़ा फिट है आदमी। अरे कमाई हमाई होगी तो कहाँ रखेंगे, रखने की भी जगह होनी चाहिए ना, बता रही हूँ। ये तो चल गया है। और पाकिस्तान में भैया मक्खियों के परेशान है लोग। और मैं बता रही हूँ जी, इमरान खान वो भी है ना, जो नेता है उनके वो भी मक्खियों की तरह इमरान खान को परेशान कर रहे हैं। बिलाल भट्ट कह रहे हैं, ये बोले कश्मीर अश्मीर छोड़ो, मुजफ्फराबाद की चिंता करो और पीओके की चिंता करो, बता रहा हूँ। ये सब तो चल रहा है। और पाकिस्तान वो इमरान खान गुस्से में मिसाइलें फोड़े जा रहे हैं, बता रहा हूँ। गजनबी भी फोड़ दी कल। मैं बता रहा हूँ उनके पास थोड़ी बहुत जो बच्चा है भैया उसको बचा के रखो, कहीं का भाई तभी युद्ध हो गया तो क्या करोगे? पैसे वैसे तो है नहीं खरीदने के लिए। हाँ, अभी ट्रंप और इमरान की मुलाकात हुई, जब से इमरान खान ये थे उसके घूम रहे थे, हमने हमारा दोस्त मिल गया अमेरिका, ये हो गया वो हो गया। और जैसे ही मोदी जी पहुंचे भैया, उन्होंने जो हाथ मारा, अरे भैया ये ट्रंप को याद आ गया कि असली दोस्त तो हमारा इंडिया है। और बता रहे जब से आग बबूला होते गुनगुनाते फिर रहे हैं इमरान खान, ये तो चल रहा है। और राहुल गांधी का ट्वीट कर दिया उनने, और उसको भैया उसके आधार पे वहाँ पे यूएन में शिकायत कर दी, बताओ ये तो चल रहा है। वो राहुल गांधी भी आए, वो उनको बाद में समझ में आता है क्या कर बैठते हैं। हाँ, बाद में समझ में आता है। और एक पाकिस्तान के जो मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि अक्टूबर नवंबर में होगा युद्ध। हम मैं बता रहा हूँ, हम लोग है ना अक्टूबर नवंबर में दिवाली मनाएंगे, बिजी रहेंगे, पटाखे वटाखे फोड़ देंगे, हम एक सुतली बम फेंक देंगे उससे ही तुम्हारा काम हो जाएगा, ज़्यादा की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, और एक देखो हृदय विदारक समाचार सुन लो। बिहार में रिश्वत के चक्कर में एक इंजीनियर ने है ना ठेकेदार को जला दिया, बताओ रिश्वत नहीं दी तो। ये ऐसा तो चल रहा है, मैं बता रहा हूँ ये भैया कितने पैसे कमाओगे, कितने दस दस बीस बीस मकान बना के बैठे रहती हो। और अभी है ना मोदी जी बेनामी संपत्ति वाला नियम लाने वाले, ये भाई फालतू में चली जाएगी संपत्ति, कोई मतलब नहीं है बेवजह की मेहनत करने से। इंसान बनो, ठीक से रहो, अच्छे से रहो भैया, जितना मिल रहा है बहुत मिल रहा है। हाँ, और यह खबर ये सुन लो, अमित शाह ने कहा है कि अपराधियों को अब थर्ड डिग्री से नहीं पूछताछ करने के लिए वैज्ञानिक तरीके अपनाओ। हमें इस पर पुलिस वालों का कहना है भैया कि हमारा सबसे वैज्ञानिक डंडा है,
डंडा ही हमारा वैज्ञानिक तरीका है, डंडे से है ना हमारी आर्थिक व्यवस्था सुधरती है, ऐसा थोड़ी है डंडा चला जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा। ये खबर देख लो, ये भोपाल में कलेक्टरों ने क्या है बत्ती लगाने की मांग की है गाड़ियों पे। अब मेरा कहना ये है कि भैया ये थी बढ़िया बढ़िया काम करो, अच्छे अच्छे काम करो, क्षेत्र में जाके घूमो, लोगों से मिलो, अब यहाँ पहचान जाएंगे लोग, जरूरत नहीं पड़ेगी बत्ती लगाने की। ये बत्ती गुल हो जाए तुरंत ठीक करवाओ, हैं अपने आप नाम जानेंगे कलेक्टर साहब आ गए जिन्होंने बत्ती ठीक करवा दी, बता रही हूँ ऐसा तो हो रहा है। और एक अच्छी खबर देश की बेटियों के लिए सुन लो, पी वी सिंधु है ना वर्ल्ड चैंपियन हो गई हैं, उन्होंने हरा दिया उनको, होकू हरा को बता रहा हूँ। अब देश के लिए कितनी बड़ी गौरव की बात है और सभी बेटियों के लिए प्रेरणा वाली बात है। तो ये थी अच्छी खबर से मैं समाचार समाप्त कर रहा हूँ, नमस्कार। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, खेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। From quality education to 100% placement assistance, student gets everything at LNCT University. इसीलिए LNCT University है most trusted name among students. Admissions open for UG and PG. Choose the best to be the best. LNCT University. Log on to lnctu.ac.in. आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।